हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 40 सॉल्व करेंगे जो मैंने टीजीटी इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो यदि आप 90 क्वेश्चंस भी स्कोर कर पा रहे हैं तो समझिए आप की स्टडी अच्छे से चल रही है। सो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और देखिए आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। सो समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर लिटरेरी मीडियम इन द मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड में हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर लिटरेरी मीडियम कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर नोवेल। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द ओनली लिटरेरी फॉर्म विच मीट्स द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो इसमें भी हमें ओनली लिटरेरी फॉर्म बतानी है जो मॉडर्न वर्ल्ड्स की नीड्स से मैच करती है या मिलती है। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर नोवेल। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड इंटेरोगेशन। तो डिसइंटीग्रेशन एंड इंटेरोगेशन की हमें एज बतानी है कौन सी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 4, विच एज नॉवलिस्ट लाइक हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरेड एंड रुडयार्ड किपलिंग आर ओरिजिनली रिलेटेड टू। तो ये सारे हमें नॉवलिस्ट बताने हैं कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है सी विक्टोरियन एज। तो ये सारे नॉवलिस्ट विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मार्क ऑफ 20th सेंचुरी नोवेल। तो 20th सेंचुरी नोवेल का मार्क बताना है इसमें कौन सा है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर बोथ ए एंड बी, मीन्स ए डिसइल्यूजनमेंट एंड होपलेसनेस। ये दोनों ही 20th सेंचुरी नोवेल से बिलोंग करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु रोड द नोवेल वार एंड पीस। तो नोवेल वार एंड पीस किसने लिखा था। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर टॉल्स्टॉय। देन क्वेश्चन नंबर 7, हु रोड द नोवेल मिडिल मार्च। तो मिडिल मार्च किसने लिखा है। द करेक्ट आंसर विल बी ए जॉर्ज इलियट। क्वेश्चन नंबर 8, इन द मॉडर्न एरा हु रिफाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नोवेल फ्रॉम सुपरफ्लूअस डिटेल्स फ्रेजिज पैराग्राफ और सेंटेंसेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर हेनरी जेम्स। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच एज ऑफ नोवेल्स वी फाइंड क्लियर पॉइंट्स ऑफ व्यू रिजर्व्ड एंड रिफाइंड कैरेक्टर्स विद क्लियर मोटिव। तो कौन सी एज के नोवेल में हमें ये क्वालिटी देखने को मिलती है जिसमें हम क्लियर पॉइंट्स ऑफ व्यू देखते हैं और रिजर्व्ड एंड रिफाइंड कैरेक्टर्स देखते हैं जिनका क्लियर मोटिव होता है। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर मॉडर्न एज नोवेल। देन क्वेश्चन नंबर 10, बाय नेचर मॉडर्न नोवेल एज। तो मॉडर्न नोवेल क्या है बाय नेचर। सी साइकोलॉजिकल। सो मॉडर्न एज में जो नोवेल हैं वो कैसी हैं, साइकोलॉजिकल नोवेल हैं। देन 11 क्वेश्चन, द नैरेटिव मोड और मेथड दैट अटेम्प्ट्स टू डिपिक्ट द मल्टीट्यूडिनस थॉट्स एंड फीलिंग्स विच पास थ्रू द माइंड ऑफ अ नैरेटर इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाएगा इसको। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस। देन क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं यहाँ पे, हु इज द मोस्ट डोमिनेटिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नोवलिस्ट। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नोवलिस्ट कौन है इसमें। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, हु बिलीव्स दैट ट्रू लव इज अ मैटर ऑफ माइंड रेदर देन बॉडी। तो किसका ऐसा बिलीव रहा है जो ट्रू लव है वो क्या है, मैटर ऑफ माइंड है, ना कि किससे ज़्यादा, मैटर ऑफ बॉडी से ज़्यादा।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए डी एच लॉरेंस। 14 क्वेश्चन, हु रोट पॉइंट काउंटर पॉइंट, तो किसने लिखा है ये पॉइंट काउंटर पॉइंट? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर एल्डर्स हक्सले। 15 क्वेश्चन, हु एक्सप्लोर्ड द होलोनेस एंड डेफनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअलिज्म एंड अपर क्लास सोशल लाइफ इन हिज नॉवेल्स? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर ईएम फोर्स्टर। 16 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया, तो किसने ये नॉवेल लिखी है अ पैसेज टू इंडिया? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर ईएम फोर्स्टर। 17 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल विमेन इन लव, तो विमेन इन लव इज अ नॉवेल और ये किसने लिखी है? डी एच लॉरेंस। देन 18 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल द प्लम्ड सर्पेंट, तो किसने प्लम्ड सर्पेंट नॉवेल लिखी है? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर डी एच लॉरेंस। 19 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल यूलेसिस, तो यूलेसिस नॉवेल है 1922 में किसने लिखी है ये? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर जेम्स जॉयस। 20 क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर इज मेड इन द नॉवेल्स ऑफ, तो किसकी नॉवेल में जो ह्यूमन नेचर है उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी की जाती है? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर वर्जीनिया वुल्फ। देन 21 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल मिसिज डेलोए, तो मिसिज डेलोए इज अ नॉवेल और इसके हमें राइटर बताने हैं कि किसने ये नॉवेल लिखी है। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर वर्जीनिया वुल्फ। 22 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल टू द लाइट हाउस, तो टू द लाइट हाउस नॉवेल किसने लिखी है, इनके ऑथर बताने हैं हमें। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर वर्जीनिया वुल्फ। 23 क्वेश्चन, हु रोट नॉवेल अ बर्नड आउट केस, तो बर्नड आउट केस नॉवेल किसने लिखा है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर ग्राहम ग्रीन। 24 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल एनिमल फार्म, तो एनिमल फार्म किसने लिखा है, ये हमारे एलटी के सिलेबस में भी है। सो इनके जो ऑथर हैं दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। 25 क्वेश्चन, इन विच ईयर एनिमल फार्म पब्लिश्ड, तो कौन से ईयर में एनिमल फार्म पब्लिश्ड हुआ था? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर 1945। 26 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल 1984, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर जॉर्ज ऑरवेल। 27 क्वेश्चन, हु रोट द नॉवेल द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ये भी हमारे एलटी के सिलेबस में आया हुआ वर्क है। द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज किसने लिखा था, ये एक नॉवेल है। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर विलियम गोल्डिंग। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पब्लिश कब हुआ था? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर 1954। 29 क्वेश्चन, इन विच ईयर गोल्डिंग वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो कौन से ईयर में गोल्डिंग ने नोबल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर 1983। 30 क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द टीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, तो किसको मॉडर्न ड्रामेटिस्ट में टीचर समझा जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द टीचर? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर हेनरिक जॉन इब्सन। 30 क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज, किसको ड्रामा ऑफ आइडियाज का मास्टर जाना जाता है या समझा जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर सॉ, जी बी सॉ। देन 33 क्वेश्चन, हुज प्लेज आर कॉल्ड एंटी रोमांटिक, और किसके प्लेज को एंटी रोमांटिक कहा गया है? इसका भी करेक्ट आंसर है बी, जी बी सॉ। 33 क्वेश्चन,
इन मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हु इज द मास्टर इन प्रॉब्लम प्लेज। तो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट में किसको मास्टर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर जॉन गैल्सवर्दी। तो ध्यान रखिए यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट की बात हो रही है ना। 34 क्वेश्चन इन विच प्ले अ राइटर हाईलाइट्स एविल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो अपने कौन से प्ले में राइटर ने हाईलाइट्स किया है इविल्स एंड प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी? तो कौन से प्लेज हैं ये? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर प्रॉब्लम प्ले। तो प्रॉब्लम प्ले में हाईलाइट किए जाते हैं समाज की बुराइयों को और उनकी समस्याओं को। देन 35 क्वेश्चन हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज। तो एब्सर्ड प्लेज का मास्टर किसको कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर सैमुअल बेकेट। देन 36 क्वेश्चन इन विच टाइप ऑफ प्ले अ राइटर मेक्स अ डीप सर्च ऑफ कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन सफरिंग। द करेक्ट आंसर विल बी एब्सर्ड प्लेज। देन 37 क्वेश्चन हु एक्सपोजिज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ यंग जनरेशन इन हिज प्लेज। तो किसने अपने प्ले में जो फ्रस्ट्रेशन को शो किया है यंग जनरेशन की? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर जॉन ओसबोर्न। 38 क्वेश्चन हु रोट द प्ले लुक बैक इन एंगर। तो किसका प्ले है ये? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर जॉन ओसबोर्न। 39 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ प्ले इज लुक बैक इन एंगर। और ये किस टाइप का प्ले है, मीन्स इसका हमें यहाँ जेनर बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर रियलिस्टिक प्ले। 40 क्वेश्चन हु रोट द प्ले कॉकटेल पार्टी। तो कॉकटेल पार्टी जब प्ले और किसने ये लिखा है, हमें ऑथर का नाम बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी T.S. इलियट। देन 41 क्वेश्चन हु रोट पोएटिक प्लेज लाइक कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 एंड द एल्डर स्टेट्समैन इन 1955। द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर T.S. इलियट। 42 क्वेश्चन हु रोट द प्ले द लेडीज नोट फॉर बर्निंग। तो द लेडीज नोट फॉर बर्निंग इज अ प्ले और इसके हमें ऑथर का नाम बताना है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर क्रिस्टोफर फ्राई। 43 क्वेश्चन विच टाइप ऑफ प्ले इज द लेडीज नोट फॉर बर्निंग। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर कॉमेडी। 44 क्वेश्चन हु रोट द प्ले द डार्क इज लाइट। तो किसने ये प्ले लिखा है, द डार्क इज लाइट इंग्लिश। तो किसका प्ले है ये? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर फ्राई। 45 क्वेश्चन इन विच सेंचुरी द प्रॉब्लम प्ले डिवेलप्ड। तो कौन से सेंचुरी में द प्रॉब्लम प्ले जो है इनका डिवेलपमेंट हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर 19th सेंचुरी। 46 क्वेश्चन विच प्ले डील्स विद द कॉन्ट्रोवर्सियल सोशल इश्यूज इन अ रियलिस्टिक मैनर। तो इनमें से कौन सा प्ले है जो कॉन्ट्रोवर्सियल जो डील करता है कॉन्ट्रोवर्सियल सोशल इश्यूज पे इन रियलिस्टिक मैनर? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर प्रॉब्लम प्लेज। 47 क्वेश्चन हु एक्सपोज्ड द हाइपोक्रेसी ग्रीड एंड हिडन करप्शन इन हिज प्लेज। तो किसने अपने प्ले में एक्सपोज किया है हिपोक्रेसी ग्रीड एंड हिडन करप्शन को? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर हेनरिक इब्सन। 48 क्वेश्चन हु ब्रॉट द प्रॉब्लम प्लेज टू इट्स इंटेलेक्चुअल पीक इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में किसने प्रॉब्लम प्लेज का उत्थान किया था, इसको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया था इंग्लैंड में?
सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर सॉ, जी बी सॉ। 49 क्वेश्चन, हु रोट द प्ले द सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स प्ले किसने लिखा था? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर गैल्सवर्दी। 1906 में ये वर्क आया था। देन हु रोट द प्ले स्ट्राइफ, स्ट्राइफ प्ले किसने लिखा है? तो इसका भी करेक्ट आंसर बी है, गैल्सवर्दी, और ये 1909 का वर्क है। देन हु रोट द प्ले जस्टिस, अब जस्टिस प्ले किसने लिखा है? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर गैल्सवर्दी, और ये 1910 का वर्क है। तो हमें सबकी डेट भी अच्छे से लर्न करके रखनी है। 52 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्ले इज स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स एंड जस्टिस। तो ये किस तरह के प्लेज हैं, जेनर बताना है हमें इसका। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर प्रॉब्लम प्ले। 53 क्वेश्चन, इन विच प्ले सो इंट्रोड्यूज हिज फेमस फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर मैन एंड सुपरमैन। 54 क्वेश्चन, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड केम अबाउट एज अ रिएक्शन टू। सो 54 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर वर्ल्ड वार सेकेंड। 55 क्वेश्चन, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड फोकस्ड लार्जली ऑन द आइडिया ऑफ डैश फिलोसफी। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म। 56 क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्लेज द प्लॉट्स ऑफन डेविएट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लेज। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर एब्सर्ड। 57 क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्लेज द सीनरी इज ऑफन अनरिकॉग्निजेबल। तो किस टाइप के प्लेज में जो सीनरी होती है वो कैसी होती है? अनरिकॉग्नाइजेबल होती है। द करेक्ट आंसर इज ए हेयर एब्सर्ड। 58 क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ प्ले द डायलॉग नेवर सीम टू मेक एनी सेंस। कौन से टाइप के प्लेज में जो डायलॉग्स होते हैं उनका कोई सेंस ही नहीं होता? करेक्ट आंसर इज ए हेयर एब्सर्ड प्लेज। 59 क्वेश्चन, हु इज द मास्टर ऑफ एब्सर्ड प्लेज। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर विलियम कूपर। 60 क्वेश्चन, हु रोट द प्ले वेटिंग फॉर गोडोट। तो वेटिंग फॉर गोडोट किसने लिखा है ये? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर सैमुअल बेकेट। 61 क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स प्लेज। तो हैरोल्ड पिंटर्स के जो प्लेज हैं उनकी क्वालिटी बतानी है यहाँ पे। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर लैक ऑफ एक्सप्रेशन। 62 क्वेश्चन, हु फर्स्ट यूज द टर्म एब्सर्ड। तो सबसे पहले जो एब्सर्ड टर्म है ये किसने यूज किया था? सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर अल्बर्ट कैमस। 63 क्वेश्चन, हु रोट द बुक द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो ये बुक किसने लिखी है, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? द करेक्ट आंसर विल बी हेयर मार्टिन एसलिन। 64 क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म। तो एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर विल बी ए, अ लिटरेरी स्टाइल। 65 क्वेश्चन, इन विच प्ले अ कैरेक्टर एक्सप्रेसिज हिज मेंटल अगोनी इन लॉन्ग मोनोलॉग्स। तो इनमें से किस टाइप के प्लेज में जो एक कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है उसकी मेंटल एगोनी को, मानसिक पीड़ा को, इन अ लॉन्ग मोनोलॉग्स। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले। 66 क्वेश्चन, हु आर द मेन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर। तो इनमें से कौन सा मेन एक्सप्रेशनिस्ट प्ले राइटर है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर ऑल ऑफ दीज, यूजिन ओ नील,
टेनिसी विलियम्स एंड आर्थर मिलर, ऑल ऑफ दीज। 67 क्वेश्चन, हु रोल द प्ले हैरी एप, तो हैरी एप किसने लिखा है प्ले, ये भी हमारे एलटी का सिलेबस का ही पार्ट है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है सी यूजिन ओ नील। 68 क्वेश्चन, इन विच प्लेज कैरेक्टर्स लुक लाइक शैडो, कौन से प्ले में कैरेक्टर्स शैडो जैसे दिखते हैं, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर एक्सप्रेशनिस्टिक। 69 क्वेश्चन, व्हाट वाज एपिक थिएटर, तो एपिक थिएटर क्या होता है, सो दिस इज अ मूवमेंट, एपिक थिएटर इज अ मूवमेंट। 70 क्वेश्चन, व्हेन द एपिक थिएटर स्टार्टेड, एपिक थिएटर स्टार्ट कब हुए थे, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर मिड 20th century, 20th century के मिड में। 71 क्वेश्चन, हु स्टार्टेड एपिक थिएटर, और एपिक थिएटर को स्टार्ट किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है सी बर्टोल्ड ब्रेचेट। 72 क्वेश्चन, व्हाट इज द गोल ऑफ एपिक थिएटर, और एपिक थिएटर का जो गोल है, मुख्य उद्देश्य है, वो क्या है, सो ए आंसर इज करेक्ट हेयर, ऑडियंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ वॉचिंग अ प्ले। 73 क्वेश्चन, विच क्रिएट्स द एटमोस्फेयर ऑफ इल्यूजन, तो किसने क्रिएट किया था एटमोस्फेयर ऑफ इल्यूजन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर एपिक थिएटर। 74 क्वेश्चन, एपिक थिएटर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट, और एपिक थिएटर किसके अगेंस्ट एक रिएक्शन था, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर नेचुरलिस्ट ड्रामा। 75 क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ ड्रामा कैरेक्टर्स प्ले मैनी रोल्स, और कौन से टाइप के ड्रामा में जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मैनी रोल्स को प्ले करते हैं, एक साथ कई सारे रोल को उनको प्ले करना होता है, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर एपिक थिएटर। 76 क्वेश्चन, एपिक थिएटर कंटेन्स अ डैश ऑफ एक्टिंग, सो हेयर करेक्ट आंसर इज ए मैनर ऑफ एक्टिंग। 77 क्वेश्चन, इन विच टाइप मॉडर्न प्ले कोरस इज यूज्ड, तो इनमें से कौन से मॉडर्न प्ले में कोरस का यूज किया जाता है, तो कोरस तो पता है सबको, कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर, तो ये कौन से टाइप के मॉडर्न प्ले में यूज होते हैं, एपिक थिएटर इज अ करेक्ट आंसर। 78 क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर इन एपिक थिएटर द वर्ड एपिक इज टेकन, तो एपिक थिएटर में जो ये एपिक वर्ड है ये कहां से लिया गया है, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर कमेंट्री। देन 79 क्वेश्चन, सो व्हाट इज वर्फ्रेम डंगसेफेट, अजीब सा नाम है ये, देख लीजिए क्या है, सो 79 का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। 80 क्वेश्चन, एपिक थिएटर होल्ड्स द, तो एपिक थिएटर क्या होल्ड करते हैं, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा, तो एपिक थिएटर क्या होल्ड्स करते हैं, नॉन एरिस्टोटेलियन अप्रोच टू ड्रामा। ओके 81 क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या होता है, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर लिटरेचर बाय पीपल फ्रॉम फॉर्मली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। सो 82 क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री टोनी मॉरिसन बिलोंग टू, टोनी मॉरिसन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, द करेक्ट आंसर इज ए अमेरिका। 83 क्वेश्चन, टोनी मॉरिसन डिपिक्ट द लाइफ ऑफ अफ्रीकन, तो टोनी मॉरिसन जो डिपिक्ट किया है अमेरिकन की लाइफ को, तो कौन से अमेरिकन थे, वो गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, चिल्ड्रन थे या एनिमल्स थे, तो उन्होंने
अफ्रीकन चिल्ड्रन की लाइफ को डिपिक्ट किया है। 84 क्वेश्चन, हु रोट द नोवेल द ब्लूएस्ट आईज, तो किसने नोवेल लिखा है द ब्लूएस्ट आईज। द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, टोनी मोरिसन। 85 क्वेश्चन, हु रोट द नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ नोवेल और किसने लिखा है ये। द करेक्ट आंसर इज डी, एक मिनट, द करेक्ट आंसर इज सी, जोसेफ कॉनरेड। 86 क्वेश्चन, हु रोट नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, तो नाइट ऑफ स्कॉर्पियन किसने लिखा है। द करेक्ट आंसर इज डी, निजिम इजेकिल। 87 क्वेश्चन, इन विच ईयर आरएन टैगोर वॉन नोबेल प्राइज, तो आरएन टैगोर है ये रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने कौन से ईयर में नोबेल प्राइज जो इनको मिला था। द करेक्ट आंसर इज 87, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, 1913। ये देखिए सीक्वेंस इसमें कुछ क्वेश्चंस के उल्टे सीधे आ गए हैं, डी के प्लेस पे सी और सी के प्लेस पे डी दे दिया है यहाँ पे। 88 क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, तो सबसे पहला नॉन यूरोपियन राइटर हमें बताना है जिसको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर दिया गया था। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, रविंद्रनाथ टैगोर। 89 क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर, तो फेमिनिस्ट लिटरेचर किसको बोला जाता है। ऑल ऑफ दीज लिटरेचर मीन्स ऐसा लिटरेचर रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, जो वुमेन की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, और रिलेटेड टू राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन के अधिकारों से रिलेटेड हो, और रिलेटेड टू लाइफ ऑफ वुमेन, और वुमेन के ही लाइफ से रिलेटेड हो, तो ऐसे सभी लिटरेचर को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट लिटरेचर। 90 क्वेश्चन, लिटरेचर प्रोड्यूस बाय वुमेन राइटर इज, तो जो वुमेन राइटर जो लिटरेचर लिखती हैं उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट लिटरेचर। देन 91 क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड फेमिनिस्ट लिटरेचर, फेमिनिस्ट लिटरेचर के लिए जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। ऑल ऑफ दीज मीन्स इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, इक्वल राइट्स इन सोसाइटी, और इक्वल राइट्स इन पॉलिटिक्स। 92 क्वेश्चन, इन विच ईयर द टर्म फेमिनिस्ट अपीयर इन ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन में ये जो वर्ड है फेमिनिस्ट ये टर्म कब अपीयर हुआ था। द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, 1890। 93 क्वेश्चन, ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, वुमेन्स राइट टू वोट और प्रॉपर्टी राइट्स। 94 क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ सेकेंड वेव फेमिनिज्म, तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म का हमें यह पीरियड बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी, 1960 to 1980। 95 क्वेश्चन, इन विच मैटर सेकेंड वेव फेमिनिज्म फोकस्ड, द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, तो किस चीज को फोकस करता है ये, कल्चरल इनइक्वालिटीज, जेंडर नेम्स एंड रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, तो ऑल ऑफ दीज। 96 क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ थर्ड वेव फेमिनिन, तो थर्ड वेव फेमिनिन का हमें यहाँ पीरियड बताना है। द करेक्ट आंसर इज डी, 1992 to 2000। 97 क्वेश्चन, विच फेमिनिस्ट राइटर यूज स्टाइल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग, तो कौन सी ऐसी फेमिनिस्ट राइटर है जिसने ये स्टाइल यूज किया है इंटीरियर मोनोलॉग। वर्जीनिया वुल्फ इज द करेक्ट आंसर। 98 क्वेश्चन, हु ट्रीट सीरियस सब्जेक्ट्स इन अ प्लेफुल एंड ह्यूमरस वे,
तो किसने अपनी राइटिंग्स में सीरियस सब्जेक्ट को ट्रीट किया है और कैसे वे में प्लेफुल और ह्यूमरस वे में? करेक्ट आंसर इज बी, पोस्ट मॉडर्निस्ट। 99 क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन वन टेक्स्ट एंड अनदर टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो जो एक टेक्स्ट का जो दूसरे टेक्स्ट से जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलेंगे? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, इंटरटेक्सुअलिटी। 100 क्वेश्चन, विच टेक्निक्स फॉर्म द बेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? द करेक्ट आंसर इज ई हेयर, ऑल ऑफ दीज। 101, द प्रॉपर वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट। तो ग्रुप ऑफ एलिफेंट को क्या बोलेंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, हर्ड। 102, द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द लाउड नॉइज मेड बाय एन एलिफेंट, मींस एलिफेंट साउंड को हमें बताना है क्या बोलेंगे? द करेक्ट आंसर इज बी, ट्रम्पेट। अब यहाँ पे हमें एरर फाइंड करने हैं। यू रेदर देन योर फादर आर टू ब्लेम एंड नो एरर। सो इसमें देखिए, नो एरर इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि यू रेदर देन योर फादर, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हमें आर वर्ब का यूज करना है, तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। देन 104, 5 hours आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस कैरेक्टर एंड नो एरर। सो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। इसमें बी पार्ट में एरर है। देखिए 5 hours, इसको हमें एज अ यूनिट यूज करना है, और जब हम किसी वर्ब को एज अ यूनिट यूज करते हैं तो दैट इज दैट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो 5 hours के साथ यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब इज लेना है, तो हमारे बी पार्ट में एरर है। 104, द करेक्ट आंसर इज बी। देन 105, मैनी अ पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल एंड नो एरर। तो इसके सी पार्ट में एरर है, हैव बीन। तो ये देखिए, मैनी अ पैसेंजर, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जहाँ पे ये मैनी आ लिखा आएगा तो हमें ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज का यूज कर देना है, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इसके सी पार्ट में एरर है। 106, वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ और नो एरर। तो इसके सी पार्ट में एरर है, द वेजेज ऑफ सिन आर डेथ। तो ये पार्ट हमारा रॉन्ग है क्योंकि वेजेज को हम सिंगुलर और प्लूरल बोथ वे में यूज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो वेजेज ऑफ सिन है इसके साथ हमें इज का यूज करना था, ना कि आर का। तो यहाँ पे हमारे सी पार्ट में एरर है। 107, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव ओरेटर्स If one wants to improve his English and no error। तो देखिए, इसके भी डी पार्ट में, डी पार्ट तो नो एरर है, सी पार्ट में एरर है हिज इंग्लिश में। अब देखिए, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो वन यूज हुआ है, और वन के साथ हम जो इसका पजेसिव केस क्या लेंगे, वन लेंगे, वंस। तो यहाँ पे हिज का जो यूज है ये रॉन्ग है, तो हमारे यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। 108 क्वेश्चन, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो देखिए, इसमें एरर पार्ट कौन सा है? तो द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट, तो देखिए, जब यहाँ दो एडजेक्टिव के साथ में हम क्या करते हैं, द आर्टिकल, आर्टिकल एक ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे पोइट के लिए और ड्रामेटिस्ट के लिए, दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का यूज हुआ है। तो एक नाउन पोइट है, एक नाउन ड्रामेटिस्ट है, और दोनों के लिए एक ही आर्टिकल यूज हुआ है। इसका मतलब यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, किसी एक के बारे में ही हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, द कालिदास। अब देखिए, द कालिदास, कालिदास एक प्रॉपर नाउन है,
और प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो हमारे इसी पार्ट में एरर है। अब देखिए यहाँ शेक्सपियर, शेक्सपियर भी एक प्रॉपर नाउन है लेकिन इसके साथ भी द का यूज हुआ है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे शेक्सपियर वर्ड है ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है कि द कालिदास इज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है और ये हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसमें हमारे द का यूज नहीं होना है, तो हमारे इसी पार्ट में एरर है, ए पार्ट में। 109, ऑल्दो देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन द क्वालिफिकेशंस ऑफ द टू कैंडिडेट्स, द डिफरेंसेस अमंग देम आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड। तो इसमें एरर पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके सी पार्ट में एरर है। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो है टू कैंडिडेट्स, और टू कैंडिडेट्स के लिए जब हम दो की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ अमंग का यूज रॉन्ग है, तो इसमें सी पार्ट में एरर है। अमंग हमारा दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है और बिटवीन हमारा दो के लिए यूज होता है, दोनों का ही जो सेंस है दैट इज बीच में। देन चूज द सेंटेंसेस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने हैं, द पुलिस किल्स यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। इसका जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज बी, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें एक पार्ट में हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है और दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनेट का। देन 111, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, कि यदि मैं यहाँ होता तो सिचुएशन कुछ अलग ही होती। तो इस वाले सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें एक तरफ हमें हैड का यूज करना है, हैड बीन हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरी तरफ जो है इसकी मैचिंग होती है वुड हैव बीन से। यहाँ पे इफ़ का यूज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हैड हमारा स्टार्टिंग में आ गया है, तो ये इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं इसको, तो हमारा सी पोर्शन करेक्ट हो जाएगा। 112, इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, इफ आई वर गॉड, यदि मैं भगवान होता आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स, मैं सभी सफरिंग्स को सभी कष्टों को एलिमिनेट कर देता। सो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 113, आई विश दैट यू बी राइट, सो 113 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, आई विश दैट यू वर राइट। जब हम कहीं विश करते हैं तो हमारा वर का यूज होता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। 114, नेमेसिस, तो नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ, तो नेमेसिस किस चीज का सिंबल है, आंसर बी इज करेक्ट हेयर, रेट्रीब्यूशन। 115, अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड राइटिंग फॉर्म इज कॉल्ड, तो एक ऐसी बुक जो इसकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग में लिखी गई हो उसको क्या बोलेंगे, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, मैनुस्क्रिप्ट। देन अनसीन पैसेज, तो जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। वी आर ऑल शॉर्ट साइटेड एंड वेरी ऑफन सी बट वन साइड ऑफ मैटर, आवर व्यूज आर नॉट एक्सटेंडेड टू ऑल दैट हैज अ कनेक्शन विद इट, फ्रॉम दिस डिफेक्ट आई थिंक नो मैन इज फ्री, वी सी बट इन पार्ट एंड वी नो बट इन पार्ट, एंड देयर फोर इट इज नो वंडर वी कंक्लूड नॉट राइट फ्रॉम आवर पार्शियल व्यूज, दिस माइट इंस्ट्रक्ट द प्राउडेस्ट एस्टीमर ऑफ हिज ओन पार्ट्स हाउ यूजफुल इट इज टू टॉक एंड कंसल्ट विद अदर्स इवन सच एज कम शॉर्ट ऑफ हिम इन कैपेसिटी क्विकनेस एंड पेनिट्रेशन, फॉर सिंस
One sees all and we generally have different prospect of the same thing according to our different, as I may say, position to it. It is not incongruous to think, nor beneath any man to try, whether another man may not have notions of things which have escaped him and which his reason would make use of it, of if they came into his mind. तो इसमें बोला गया है कि जो हम सोचते हैं वो सिर्फ एक पार्ट होता है, हम में से कोई भी इतना एबल नहीं है कि जो होल थिंग को एक साथ समझ सके. हमारे सबके जो व्यूज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, किसी को भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती. तो ये कुछ थीम है इसकी. तो 116 क्वेश्चन देख लेते हैं. सिंस नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एंड होल साइटेड, और कोई भी होल साइटेड नहीं होता, सो इट्स ऑफ नो यूज टेकिंग सजेशंस फ्रॉम अदर सच पीपल टू रीच कंक्लूजन. तो इसका कुछ यूज ही नहीं रह जाता कि हम किसी और के सजेशन लें किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि राइटर ने बोला है हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी सभी को पार्शियल नॉलेज है, सभी को हाफ हाफ नॉलेज है. तो क्या ये मतलब ये इसका कोई यूज ही नहीं होता कि हम किसी से सजेशन लें किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए. तो 116 द करेक्ट आंसर विल बी ए, इनकरेक्ट. देन 117 एज इट इज नॉट इन आवर कैपेसिटी टू सी द थिंग्स एज होल, ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है किसी भी चीज़ को पूरी तरह से समझ पाना या देख पाना. सो मेकिंग अ पार्शियल जजमेंट इज, तो पार्शियल जजमेंट करना किस हद तक सही है, जस्टिफाइड है, नॉट जस्टिफाइड है, या पार्शियली जस्टिफाइड है. सो 117 द करेक्ट आंसर विल बी बी, नॉट जस्टिफाइड. ये नॉट जस्टिफाइड है क्योंकि हमें किसी से सजेशन लेना चाहिए लेकिन हमें जजमेंट हमेशा सही करना चाहिए. 118 हाउ कैन वन अमेंड एंड इम्प्रूव हिज जजमेंट ऑफ थिंग्स, कोई अपने जो जजमेंट है उसको किस तरह से अमेंड कर सकता है या किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकता है. सो 118 द करेक्ट आंसर इज बी, बाय कंसल्टिंग अदर इम्परफेक्ट पीपल, दूसरे इम्परफेक्ट पीपल के साथ कंसल्ट करके, क्योंकि कुछ नॉलेज हमारी हो जाएगी, कुछ हम जिससे कंसल्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज मिला के हम किसी तरह से कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. 119 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकोंग्रुअस, तो इनकोंग्रुअस का मीनिंग बताना है यहाँ पे. द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एब्सर्ड. 120 क्वेश्चन सजेशन एंड कंसल्टेशन कैन बी मेड ओनली विद आवर सुपीरियर इन एबिलिटी, द स्टेटमेंट इज, द करेक्ट आंसर इज ए, इनकरेक्ट. फिल इन द ब्लैंक्स, अब हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं यहाँ. तो रुचि एंड आई डेस गोइंग टू पेंट द हाउस आर सेल्फ्स, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, आर. तो देखिए रुचि एंड आई, बीच में जब एंड आ जाता है और दोनों तरफ दो सिंगुलर सब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. देन 122 क्वेश्चन वी यू एंड दे गोइंग टू सी द फेयर, तो इसमें हमें करेक्ट वर्ब को फिल करना है. तो देखिए इसका जो सीक्वेंस होता है प्रोनाउन को रखने का वो है 2, 3 एंड 1, मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन. तो इन्होंने यहाँ पे सीक्वेंस ही गलत रखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट है, यू सेकेंड है और दे थर्ड है. ये वाला सीक्वेंस हम नेगेटिव थिंकिंग के लिए रखते हैं, अदरवाइज हमें 2, 3, 1 का ही यूज करना होता है. कोई नहीं, हमें यहाँ वर्ब देखनी है, स्ट्रक्चर नहीं देखना. तो 122 द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, आर. तो यहाँ पे आर का यूज होगा. 123 क्वेश्चन दे डिसाइडेड टू हेल्प जेनी एंड डैश, तो यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करके लिखना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी मी. तो दे डिसाइडेड, यहाँ पे वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. तो दे डिसाइडेड टू हेल्प जेनी एंड मी. देन 124 क्वेश्चन द प्रिंसिपल एंड टीचर इज केयरलेस ऑफ हिज ड्यूटी,
तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल एक नाउन है, दूसरा नाउन टीचर है, लेकिन जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक के साथ ही यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल है वो ही टीचर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब को ही यूज करना है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन 125 बिटवीन यू एंड डैश आई डोंट लाइक दिस प्लेस। तो देखिए ये हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। सॉरी, सो ही सी एंड दे ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं और ये हमारा मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें मी फिल करना है। बिटवीन यू एंड मी आई डोंट लाइक दिस प्लेस। तो यदि इसकी आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, MSTGT PGT इंग्लिश आप वहाँ टाइप कर दीजिए तो मेरा ग्रुप खुल जाएगा और वहाँ से जाके आप ये PDF भी ले सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो के बेनिफिट्स आप सभी को मिल सकें। बाकी अगर आपके कुछ फीडबैक हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर लिख के भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।